देखिए बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस ना एचपी बोर्ड को बहुत ही पसंद हैं। देखिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम ऐसा एक क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है, एक्स इज इक्वल टू एटी प्लस बीटी स्क्वेयर, एंड हेयर वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यूनिट्स निकालनी है हमको ए और बी की, कि क्या यूनिट्स होंगी ए और बी की। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारी, राइट हैंड साइड ये है। वी नो दैट दी टर्म्स ऑन राइट हैंड साइड मस्ट कंटेनिंग द डाइमेंशंस और यूनिट्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो इसमें एक टर्म तो ये दी हुई है, एक टर्म ये दी हुई है, दोनों टर्म्स की जो है वैल्यूज यूनिट्स हैं जो, वो किसके बराबर होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एटी की यूनिट है या जो एटी के डाइमेंशंस है वो एक्स के बराबर होने चाहिए, और जो बीटी की यूनिट या बीटी स्क्वेयर के, सॉरी बीटी स्क्वेयर की जो यूनिट है, बीटी स्क्वेयर के डाइमेंशंस है वो एक्स के बराबर होने चाहिए। ठीक है, यहाँ एक्स की यूनिट क्या है, वो कह रहा है एक्स इज इन मीटर और टाइम की क्या है, सेकेंड है ना। तो अब देखो यहाँ से ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये क्या है, यूनिट्स और डाइमेंशंस ऑफ ए एंड बी किसके बराबर होने चाहिए, यूनिट्स ऑफ एक्स के बराबर होने चाहिए, है ना। तो यहां से एटी इज इक्वल टू एक्स के बराबर है, तो टाइम किस में है, सेकंड में है, और यहाँ पे एक्स किस में दिया हुआ हमें, मीटर में दिया हुआ है, तो ए की यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड, और हम इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ से इसी तरह सेकेंड इक्वेशन को जब हम यूज करेंगे, बी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स है, बी टी किस में है, सेकेंड का स्क्वेयर हो गया क्योंकि टाइम सेकेंड में दिया हुआ है, एक्स मीटर में, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, मीटर, ये सेकंड स्क्वेयर के नीचे आएगा, सेकंड स्क्वेयर, तो ये बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इज पावर -2। तो हेयर ए की वैल्यू क्या आ गई, मीटर पर सेकंड, और बी की वैल्यू क्या आ गई, मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। ठीक है बेटा, दिस इज योर आंसर, वेरी इजी। ओके,